अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ मसाला कलेजी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार मेरी तरीके से जरूर बना के खाना गाइस। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं कलेजी को। कलेजी बनाने के लिए मैंने इधर एक पतीला चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। अब सबसे पहले इसमें तेल डालूंगी। सरसों का तेल मैंने लिया है क्योंकि सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनता है। तेल मैंने डाल दिया है, अब ये गरम हो जाए। अब ये तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। मैंने इधर ये चार मीडियम साइज के प्याज काटा है, फुल बारीक काट के रख लिया है। अब डाल देती हूँ तेल में। अब प्याज मैंने डाल दिया है, इसको हल्की सी फ्राई करूंगी, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ज्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, कलेजी में ज्यादा डार्क प्याज नहीं अच्छी लगती है। हल्की सॉफ्ट हो जाए उसके बाद में दिखाते हैं आपको। प्याज हमारी हो गई है हल्की सी सॉफ्ट, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया है। अब इधर कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिया है, ये डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च को कूट लिया है दरदरी सी, तीन से चार छोटे तेज पत्ता है। बाकी सारे खड़े मसाले हैं, डाल देती हूँ इसमें। हल्का सा मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मैंने कलेजी को अच्छे से धो लिया है। ये एक किलो कलेजी है हमारी, बहुत अच्छे से साफ हुई है, मैंने धो लिया खूब अच्छे से। अब डाल देती हूँ इसमें। कलेजी बनाना बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई भी बना सकता है। मैं बिल्कुल आसान रेसिपी डालती हूँ बना के। कलेजी मैंने एक मिनट भून लिया है अच्छे से। अब नमक डाल देती हूँ इसमें, हाफ चम्मच और डाल देते हैं। टोटल मैंने डेढ़ चम्मच डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना नमक खाते हो। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। इसको अच्छे से भून लेते हैं चार से पाँच मिनट, ताकि कलेजी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। इसके बाद में बाकी के मसाले डालूंगी। इसको भून लेना है बहुत अच्छे से, तीन से चार मिनट भूनेंगे ताकि कलेजी हमारी अच्छे से भून जाए। जितने भून के बनाओगे उतने टेस्टी बनेगी ये कलेजी। को हमने भून लिया है तीन से चार मिनट अच्छे से। ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, सारा तेल छूट रहा है। ये भून गई है, मसाले डाल देती हूँ पिसे हुए। एक चम्मच हल्दी पाउडर, हल्की सी और डाल देती हूँ, ये दो चुटकी और डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हम डेढ़ चम्मच डाल रही हैं। धनिया पाउडर एक चम्मच, धनिया हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना एक चम्मच काफ़ी रहेगी। ये गरम मसाला पाउडर, मसाले हमने डाल दिया है, अब इसको भून लेते हैं। एक दो मसाले हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालना है। तेजी को भून लेती हूँ अच्छे से, सारे मसाले हमारे भून जाएंगे। देखिए गाइस, मैंने मसाले डाल के कलेजी को अच्छे से भून लिया है चार से पांच मिनट। ये सारा ऑयल छूट गया है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लिया है, ये डाल देती हूँ। मिला देते हैं अच्छे से। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कलेजी में, आप लोग जब भी बनाना तो जरूर डालना। अब थोड़ा सा इसमें दही डाल देती हूँ। दही मैंने पहले नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ। बिल्कुल हल्की सी दही डाला है, दो चम्मच के हिसाब से। अब इसे मिला लेते हैं, दही डाल के भी भून लेते हैं एक से दो मिनट अच्छे से। गैस को मैंने तेज कर दिया है, तेज आंच पे भूनूंगी इसको। अब दही और कस्तूरी मेथी मैंने डाल के भून लिया है इसको दो मिनट अच्छे से। दही या कस्तूरी मेथी डाल दो तो कलेजी बिल्कुल, जो इसमें थोड़ा बहुत महक रहता है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल खुशबूदार बन के तैयार होगी। अब थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इतना पानी ये कलेजी का छूटा हुआ है, पानी मैंने नहीं डाला था। हल्का सा पानी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से हमारी कलेजी पक जाए अंदर तक। ये हमने थोड़ा सा लिया पानी, बिल्कुल कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, ये मैंने इतना पानी बचा दिया है।
इतने पानी में गल जाएगी, सिलो आंच पे पकाऊंगी इसको। 15 से 20 मिनट के लिए ढक देती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, कलेजी को आप चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 20 मिनट हो गया, मैंने 20 मिनट पकाया है, बीच में एक दो बार चला दिया था, आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारा पानी खत्म हो गया है, सिर्फ ऑयल बचा है, ग्रेवी बची है इसमें। इसमें तरी नहीं लगाऊंगी, ऐसे मसाले वाली बहुत अच्छी लगती खाने में। इधर हमने 5 से 6 हरी मिर्च ले लिया है साबुत, ये भी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा हमने जीरा को भून के पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया, जीरा को भून के डाल दिया है। इसका फ्लेवर कलेजी में बाद में डालो तो बहुत अच्छा आता है। इधर मैंने थोड़ी सी बारीक हरी धनिया काट लिया है, बिल्कुल बारीक काट के रख लिया है थोड़ी सी, ये भी डाल देती हूँ। कलेजी हमारी तैयार हो गई है, इसको मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाया, बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है, स्लो आंच पे छोड़ दिया था। कलेजी हमारी अच्छे से गल गई है, बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुई माशाल्लाह, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो हमारी जरा सी भी पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। देखिए गाइस, कलेजी को मैंने भून लिया 2 मिनट अच्छे से, और मिर्ची और धनिया सब डाल के, जीरा डाल के, अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी बनी है, मैंने पानी नहीं डाला अलग से, इसे मसाले में लिपटी हुई है। इसे इस तरीके से ग्रेवी वाली बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, आप लोग एक बार जरूर बना के खाना गाइस, चपाती के साथ, चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।